हेलो गाइज, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं एक और किम ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने इमेज में किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड या अपने फेस के अराउंड किसी भी टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। गिम्प फोटोशॉप का बेस्ट अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ये बिल्कुल फ्री है। किसी भी प्लेटफॉर्म को, या आप विंडो यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, आप इसको डाउनलोड करें और अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको क्लिक करें और डाउनलोड करें। आपको पहले क्या करना है, आपको फोटो को यहाँ फाइल में जाके और ओपन कर लेना है, जिस भी लोकेशन पर वहाँ से ओपन कर लेना है। मैंने फोटो ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर आपको गिम्प में किसी भी फोटो या इमेज में आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो आपको टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ दिए हुए टूल्स में इधर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कीजिए, या फिर यहाँ मेनू में टूल्स है, टूल्स में जाएं, टूल्स में यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट जहां भी इंटर करना है वहां पर क्लिक कीजिए। तो आप जैसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर टेक्स्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो आपको शो होगी। जैसे कि फॉन्ट है एलिफेंट और साइज उसका 40 है और कलर जो है रेड सेलेक्ट हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट जो आपका फोरग्राउंड कलर होता है जहां यहां पे रेड है वो कलर चूज करता है। आप अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक रखेगा। मैं इसको रेड रहने देता हूं और फिर इमेज पे जाके इसे क्लिक करेंगे तो आप टाइप कर सकते हैं उसमें हेलो व्यूअर्स। अब इस टेक्स्ट का साइज या कोई भी प्रॉपर्टी या टेक्स्ट का टाइप जो है वो चेंज करना हो तो या तो आप ऐसे माउस को क्लिक करके और ऐसे सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और जो भी साइज है 40 को हम मैं 80 कर दूँ, ऐसे इंटर दबा के आप साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट पे रहते हुए कंट्रोल ए दबाएंगे तो सारे टेक्स्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर टेक्स्ट को चेंज करना हो तो यहाँ पर मैं ए टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एजेंसी बोल्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो आ जाएंगे। कोई भी आपको जैसे कि एरियल हैवी मैंने चूज किया तो चेंज हो जाएगा इस तरह से। मैं फिर से दूसरा टेक्स्ट टाइप करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब, कंट्रोल ए दबा के पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज इसका भी मैं 80 कर लेता हूँ। तो ये हो गया अपना दो टेक्स्ट। तो यहाँ देखिए लेयर्स में टेक्स्ट लेयर दो ऐसे फॉर्म हो गए। तो इन टेक्स्ट को मैं इस मॉडल के बॉडी और फेस के अराउंड रैप करूंगा। पास टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक बार क्लिक किया और दूसरी बार यहाँ क्लिक किया, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बॉडी के अराउंड इसको और इंटर दबा देंगे। इससे हमारा क्या है, पाथ सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो मुझे क्या रखना है, इस पाथ के अलोंग मुझे हेलो व्यूवर्स रखना है। तो इस हेलो व्यूवर्स वाले टेक्स्ट वाले लेयर पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट अलोंग पाथ। यहाँ देखिए पाथ के अलोंग हेलो व्यूवर्स आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए लेयर्स है, चैनल्स है और पाथ है। पाथ में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पाथ सेलेक्टेड है जिसके अलोंग हमारा जो ये टेक्स्ट है वो रैप हुआ है। ठीक है, अभी जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम पाथ। तो उससे क्या होगा कि ये सारे हमारे लेटर्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो टेक्स्ट सेलेक्ट होने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कलर्स, इसमें कलर्स फिल करना है। तो यहाँ फोरग्राउंड कलर में रेड है, इसको मैं येलो में चेंज करूंगा पहले। ओपेसिटी जो है उसको फुल रखेंगे और ये अभी मुझे फिल नहीं करने दे रहा है, तो मैं एक न्यू लेयर फॉर्म करूंगा यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट न्यू लेयर, यहाँ ट्रांसपेरेंट, ओके। और उस लेयर को सिलेक्ट करके मैं उसमें कलर फिल करूंगा। तो ये कलर हमारा फिल हो गया। यहाँ से हम जाएंगे सेलेक्ट नन, ठीक है, और फिर यहाँ पे लेयर चैनल और पाथ है, इसमें पाथ में जाएंगे और पाथ को इनविजिबल कर देंगे। तो देखिए हमारा हेलो व्यूवर्स इस पाथ के अराउंड आ गया है। जो लेयर्स पे जाएंगे और ये जो हेलो व्यूवर्स वाला है उसको इनविजिबल कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि प्लीज सब्सक्राइब, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं इसके फेस के अराउंड रैप करूंगा। पाथ सेलेक्ट होने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे, इससे हमारा ये सिलेक्शन हो जाएगा। ये पाथ फॉर्म होने के बाद से हम जाएंगे प्लीज सब्सक्राइब वाले टेक्स्ट लेयर पे और टेक्स्ट अलोंग पाथ कर देंगे, तो टेक्स्ट अलोंग पाथ आ जाएगा। अभी इसमें जाएंगे हम सेलेक्ट एंड फ्रॉम पाथ, तो उससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट वाला जो पाथ होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और इसमें हम कलर फिल करेंगे और बकेट फिल जो टूल है उसको सेलेक्ट करते हैं और फिल देके फिर यहाँ अलाउ नहीं करेगा। तो इस स्टेप के लिए क्या करते हैं हम, जो अपना इम्पोर्टेंट काम ये रहेगा कि हम एक न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म करेंगे जिसमें हम कलर को फिल करेंगे। यहाँ देखिए न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म हो गया, अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। तो अब ये अलाउ कर रहा है कलर फिल करने, कलर फिल कर दिया हमने। सेलेक्ट में जाएंगे, नन पाथ में यहाँ पे जाएंगे और इसको इनविजिबल कर देंगे, ठीक है। और लेयर में जाके टेक्स्ट को हम, इस वाले टेक्स्ट की जरूरत नहीं हमें, तो उसको भी इनविजिबल कर देंगे। अभी देखिए ये कैसे रैप हुआ है। हेलो व्यूवर्स प्लीज सब्सक्राइब।